खादिम को बाद में मालूम हुआ कि मरीज वाली फस्तीलिया का बेटा है। इस नासीज ने दवाएं दी, वो अब पूरी तरह सेहतमंद है। तुमने मेहमान पर तवज्जो की, हमें खुशी हुई। शहजादे की आफियत के बारे में क्या उसके माँ बाप को इत्तला पहुंचा दी गई? अमीर आदिल, उन्हें एक एक साथ की इत्तला दी जा रही है। हजरत आलिया इशाद हो तो वजीफे में तफ्ती की मौजूदगी से फायदा उठाते हुए और जिन्हें इनसे कराची मंसूबी की शख्स मनवाई जा सकती है। इंसानी रिश्तों पर मामला करना हमारा तरीक नहीं है। अमीर आदिल, चौपति ने भेजिए भेजी थी अपने शहजादे को साथ लेकर रवाना हुआ चाहते हैं। मसले अलमरा के चलती दरवाजे पर शहजादा जवान मारी और उसके साथ ही अमीर आदिल की इजाजत की मुंतजर। इजाजत है, इजा बिलाव पर जिन्हें हिंद अपने बेटे के लिए फिक्रमंद होंगे। खंडी की तकलीफ हो रहा है, अपना मार्ग चल पड़ा। शुक्रगुजारी करते हैं कि मारियो फटक कर इतने जंगल के इलाके की तरफ निकल गया। हम उन सबकी सजाएं माफ करते हैं जिन्होंने अपनी लापरवाही से मार्गों को खत्म लगा दिया, और हम वक्त देते हैं कि शांता क्रस्त के गिरते पास से 5,000 करोड़ खेल गया। मुझे नहीं मालूम कहां है उसका साथी। मेरा अल्लाह गवाह, मुझे नहीं पता। मैं उसका साथी, मैं उसका साथी, मैं उसका साथी।
तुम हो इतने जंगल के साथी। की मुसलमान रैप अंदाजी में जो अपनी बगदारियां साबित करती रहे, सुना तुमने? हर गांव में नहीं है, इतने जगत जात के ऐलान क्यों नहीं कर? ये मत समझो अमीर इतने जंगल साल से बड़ा जानते हैं किसी है। अमीर इतने जंगल का नाम मासूम बच्चों के हाथों पे, जवान दिलों की धड़कनों और बूढ़ों की लरसती हुई दुआओं में शामिल। ये नाम एक फर्द वाहिद का नाम नहीं, एक कौम की आखिरी उम्मीद। कौम की आखिरी उम्मीद जाने के अपने जंगल नहीं, तुम ऐसे मत जवाना। 3 महीने पहले मैंने खुद कुंदरुस का दौरा किया, मैंने वो सब देखा जिसके पास कुछ और देखने की काम न रही। कुंदरुस यही वो अंदरुस है जहां तहजीब की दास्तान का पहला बाप और अफातहीन ने अपने खून की रोशनी की और दीन मुनीर की रोशनी में पसमानदा कौम को तमद्दुन की राखी खोली। जहां लोग जहालत और जबर के शिकार थे, हमने उन्हें एक मौजूद और बावकार कौम बना दिया, उन्हें नए उलूम दिए। जिसको हमने अंधेरों से निकालकर इस काबिल बना दिया कि उसका जलाल वो नए रोम की सरकस लहरों पर सुकूत तारी कर देता। अब हम बेशौकत थे, अब नाकाम हुआ सारा उम्र हमारे हाथों से निकल। अब तो अगर नाता के सवा जानों की आवाजें भी सुना था, अब सिर्फ वरनाता बाकी रह गया है। जहां मुसलमान होने की सजा जिल्लतों और जंजीरों से अदा नहीं करना पड़ती, मगर सब जानते हैं कि फर्दिनंद की नजरें अरनाता पर भी लगी। अमीर मोहतरम, आजाद इलाके के सड़क पर एक सवार को गिरफ्तार किया गया, कहता मुर्सिया से आपके लिए जरूरी पैगाम। किसका पैगाम है? कुछ नहीं बताता, कहता मुझे जो कुछ कहना है अमीर के रूबरू अर्ज करूंगा। क्या उसकी तलाशी ले ली गई? जी हाँ, निहत्ता है। आपके ठहरने का इंतजाम। बशीर बिन हसन, मेरे मन कौन हो सकता है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहो। खुशी हुई कि अमीर अजनबियों से मुलाकात में पूरी एहतियात से काम लेते। किसका पैगाम लाए हो? सस्ता कब आप इश्वीरिया गए? ओ, तुम्हें बहुत सी बातों कही। दौरा आपका भेज बदल कर दिया था। इश्वीरिया में जिस सराय में आप ठहरे थे वहां आपकी मुलाकात बहुत से लोगों से हुई थी, लेकिन तुमने एक ऐसा दिखा कि जिसके मकासद वही थे जो आपके, वो आपका दोस्त, वो आपके मकसद पर। मेरा दोस्त अब्दुलरहमान, मैं अब्दुलरहमान का पैगाम लेकर आया। हाँ, याद आया, अब्दुल रहमान खत्ताब मुर्सिया का सबसे बड़ा कुतुब फरोश। मुर्सिया में 10,000 का फरोश आपने मुंतजर। मैं हैरान हूं कि आपने शहर का क्यों नजरअंदाज किया। मुर्सिया के मुसलमान अंदुलुस के बाकी मानदा शहरों से ज्यादा मजलूम हैं, और इनमें से हजारों तो ऐसे हैं जो जुर्म के बोझ तले सिसक सिसक कर जान देने की बजाय आपके झंडे तले लड़ने को तकलीफ दें। आई डी मेरे मनसुख बोला बस उनसे कहो मैं आ